एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सोल्टेज गार्डन से मैं आज आपको गुलहड़ का पेड़ दिखा रही हूँ जो कलियों से बहुत भरा हुआ है। और ये देखिए, और फ्लावर भी बहुत अच्छे डबल पैटर्न के हैं और कलियों से ये देखिए भरा हुआ है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये इसमें क्या क्या डालती हूँ और नीचे वेस्ट में क्या, किचन वेस्ट तो डालती हूँ। और ये देखिए, कलियों से बहुत भरा हुआ है। ये देखिए डबल पैटर्न में है और कोई भी इसकी लीव पीली नहीं है इस टाइम फ्रेंड। ये देखिए। और एक और देसी गुलहड़ दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, इसमें भी वही प्रोवाइड करती हूँ मैं। ये देखिए कितनी कलियाँ हैं, कलियाँ ही कलियाँ हैं। ये देखिए। और फ्रेंड, मैं सब हार्डी प्लांट में ये सब चीज़ें डालती हूँ। ये देखिए, टिकोमा फिर फ्लावरिंग पे आ गया है और ये बहुत बड़ा हो गया है। और ये देखिए, फ्लावरिंग पे फिर आ गया, अभी भर भर के दिए इसने फ्लावर। और ये देखिए, ये बनाना पील का लिक्विड, या फिर इसको छोटा छोटा काट लो और सुखा के नीचे डाल दो, या फिर और ये इसका मैं लिक्विड बना के रख के वो पानी में मिला के वो देती हूँ। और काउडंग जो गोबर के उपले होते हैं फ्रेंड, उनको भी भिगो के मैं उसका पानी देती हूँ। और प्याज वगैरह ये सब, ये तो बहुत इसके लिए बहुत ही कारगर है चीज़। ये देखिए फ्रेंड। और फ्रेंड, मैंने कल हाइब्रिड गुलहड़ का वो किया था, परसों किया था शाम को। ये थोड़ा स्ट्रेस में है, रिपोर्ट किया था ये। ये देखिए, थोड़ा स्ट्रेस में आ रहा है ये, क्योंकि ये कल धूप में रहा है इसलिए। अब मैं इसको छाई में रख दूँगी फ्रेंड, मैंने कल लापरवाही कर दी और धूप में ही रह गया ये। थोड़े पत्ते अभी रात को ठीक हुए हैं, शाम को तो कल बिल्कुल डल हो गए थे ये। और इसके फ्लावर का कलर मैं देखने के लिए बहुत एक्साइट हूँ कि कौन सा कलर होगा ये। थैंक यू फ्रेंड।